विद्यालय बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने अभियान को तेज कर दिया है, जिसके चलते एबीवीपी ने शुक्रवार को कॉलेज कैंपस में हस्ताक्षर अभियान चलाया। एबीवीपी के जिला संयोजक विशाल ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी ने मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना अभियान 22 नवंबर से शुरू कर दिया है और बार बार एबीवीपी प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आग्रह कर रही है। एबीवीपी जिला संयोजक विशाल ठाकुर ने कहा कि मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय की मांगों को पूरा करने के लिए आज कॉलेज कैंपस में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एबीवीपी की मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले 8 दिसंबर को छात्र हुंकार रैली निकालेगी, जिसमें 10,000 एबीवीपी कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय इकाई द्वारा इस क्लस्टर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जो हस्ताक्षर अभियान है वो इस क्लस्टर विश्वविद्यालय को प्रदेश विश्वविद्यालय बनाने को लेकर किया गया है और जिसमें पिछले 8 नवंबर को मंत्रिमंडल का गठन जो इस क्लस्टर विश्वविद्यालय को प्रदेश विश्वविद्यालय बनाने के लिए किया गया है, पर लेकिन अभी तक ना तो उस मंत्रिमंडल की कोई बैठक हुई है, ना तो अभी तक कोई भूमि का चयन हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जल्द से जल्द उस मंत्रिमंडल की बैठक हो और इसी शीतकालीन सत्र में इस एक्ट को जो है वो पास किया जाए और 8 दिसंबर के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस मंडी के अंदर एक युवा हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10,000 छात्र छात्राओं की सहभागिता रहेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी इस युवा हुंकार रैली में हिस्सा बने। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।